हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन मलिक, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मलिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ़ोन के बैंड टेस्ट के बारे में, कि फ़ोन का जो बैंड टेस्ट होता है वो मान्य होता है नहीं होता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो आ रही है फ़ोन के बैंड टेस्ट के बारे में, बैंड टेस्ट करके दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर, काफ़ी वीडियो आ रही है इस तरह की। और एक वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है, जो कि टेक्निकल गुरुजी ने एक फ़ोन का बैंड टेस्ट किया था, जो कि सोमी कंपनी का नोट 7 अभी आने वाला है मार्केट में, उस फ़ोन का बैंड टेस्ट किया था और वो फ़ोन टूट गया था, जो कि हमारे जो टेक्निकल गुरुजी हैं उन्होंने इस फ़ोन का बैंड टेस्ट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है इस टाइम पे। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ़ोन का जो बैंड टेस्ट होता है वो मान्य होता है नहीं होता। अभी आप कोई फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो आपको फ़ोन के बैंड टेस्ट को मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? हाँ दोस्तों, हम कहते हैं कि फ़ोन का जो बैंड टेस्ट है उसको मानना चाहिए, मगर उस बैंड टेस्ट को मानना चाहिए जो कि इक्विपमेंट के द्वारा बैंड टेस्ट किया जाता है। क्योंकि फ़ोन का जब बैंड टेस्ट करने के इक्विपमेंट जो आते हैं, अगर उनसे बैंड टेस्ट किया जाए तो वो मान्य होता है। और जो इस तरह का जो बैंड टेस्ट होता है कि हाथ से करके दिखा रहे हैं, इस तरह का जो बैंड टेस्ट होता है, ये बिल्कुल मान्य नहीं होता। ये एक बिल्कुल बकवास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं पता चलता है कि हम कितना पावर उस पर लगा रहे हैं, कितना पावर नहीं लग रहा है। इक्विपमेंट से क्या है, इक्विपमेंट से बिल्कुल सटीक वो एक जगह पे रखा जाता है और उसके बाद उस पावर लगाया जाता है, तो उससे पता चलता है कि फ़ोन का कितना मजबूत है, किस तरह का फ़ोन है। तो दोस्तों बात करते हैं ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई बैंड टेस्ट करने की। ये स्टार्ट हुई, सबसे पहले जो बैंड टेस्ट किया गया अनबॉक्सिंग थेरेपी लविस ने किया आईफोन 6 का। उस टाइम पे खबर आ रही थी कि आईफोन 6 जो है ये पॉकेट में रखने पे टूट जाता है, तो आईफोन 6 का इन्होंने बैंड टेस्ट किया गया और बैंड टेस्ट करने में वो टूट गया। इसी तरह हाथों से ही उसका बैंड टेस्ट हुआ और ये फ़ोन टूट गया, तो तभी से ये कहानी स्टार्ट हो गई और यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो आने लगी बैंड टेस्ट के करके दिखाने लगे, और इस तरह की काफ़ी वीडियो फिर यूट्यूब पर आने लगी। लेकिन दोस्तों हम तो बस इतना ही कहेंगे कि बैंड टेस्ट वही मानना चाहिए जो कि इक्विपमेंट के द्वारा किया गया, उपकरणों के द्वारा बैंड टेस्ट किया गया वो वही मानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली पॉकेट में जिस फोन जब भी हम फ़ोन रखते हैं तो वो फ़ोन नहीं टूटता है। मैं भी अपनी पॉकेट में हमेशा फ़ोन रख के रखता हूँ, सभी लोग रखते हैं पॉकेट में फ़ोन, वो फ़ोन नहीं टूटता है। फ़ोन तभी टूटता है जब उस पर एक्स्ट्रा पावर लगती है, या हम बैठ जाएं इस तरह की किसी टेबल वगैरह पे जिस पे ज़्यादा फोर्स लग जाए और ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर लग जाए, तभी फ़ोन टूटता है। नॉर्मली कोई फ़ोन नहीं टूटता है, क्योंकि जब भी कोई फ़ोन लॉन्च होता है, कंपनी कोई भी फ़ोन लॉन्च करती है, पहले उसका बैंड टेस्ट सभी फ़ोनों का, सभी कंपनियाँ फ़ोन का बैंड टेस्ट करती हैं, उसी के बाद वो लॉन्च करती हैं। तो इस तरह के जो बैंड टेस्ट किए जाते हैं हाथों से और यूट्यूब पर वीडियो बनाई जाती है, वो एकदम बकवास है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। ये बस अपने आप को दिखाने के लिए कि आप हाथ से कैसे बैंड टेस्ट करा दोगे, कितना कोई किसको पता है कि कितना हम पावर लगा रहे हैं, कितना नहीं पावर लग रहा है, किस तरह से हम पावर लगा रहे हैं, तो ये कोई एक बैंड टेस्ट थोड़ी होता है। इस तरह का बैंड टेस्ट मान्य नहीं है दोस्तों बिल्कुल भी। अब दोस्तों इतना ही है, कोई अगर चीज़ बनी है तो वो टूटनी तो है, ये तो नहीं है कि वो नहीं टूटेगी, गिरने से किस तरह से सब टूटती हैं। ऐसे तो तोड़ने को तो सन्नी पाजी ने पाकिस्तान में जाके नल उखाड़ लिया था और सिर्फ भगवान का धनुष भी टूट गया। तो जो चीज़ बनी है इस दुनिया में खैर वो टूटनी तो है ही, ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ है कि ये नहीं टूटेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पॉइंट इतना ही है कि हाँ बैंड टेस्ट को मानिए, मगर बैंड टेस्ट वो ही मानिए जो कि अगर आपका इक्विपमेंट के द्वारा किया गया हो, इक्विपमेंट से करके यूट्यूब पे दिखाया जा रहा हो वो मान्य है, और जो इस तरह के जो बैंड टेस्ट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेकार है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों इनको बिल्कुल मत मानिए, ये सब बेकार है, ये बस इस तरह के लिए दिखाया जा रहा है कि वीडियो बनाते हैं व्यूज पाने के लिए और सब्सक्राइबर पाने के लिए इस तरह की वीडियो बनाई जाती हैं, तो इनको बिल्कुल मत मानिए। इस तरह आप देखेंगे तो आप फ़ोन ही नहीं खरीद पाएंगे। अब आप सोचेंगे, आपको लगेगी नहीं मैं जो फ़ोन ले रहा हूँ वो टूटना ही नहीं चाहिए, तो इससे तो अच्छा तरीका है आप ना लोहे का कोई बॉक्स बना लो और उसमें फ़ोन को रखो हमेशा, वो फ़ोन टूटेगा ही नहीं। अगर देखो जब कोई फ़ोन बनाया और वो इसी तरह का बना हुआ है तो वो टूटना तो है ही किसी ना किसी तरह से, कहीं गिर जाएगा किसी तरह से भी टूटेगा, तो ये टूटना तो है, ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो कि नहीं टूटेगी। और दोस्तों फालतू बातों पे ना ध्यान दें, अगर जो आपको फोन अच्छा लगता है वही परचेज करें, इस तरह के बैंड टेस्ट को ना माने। बस इस वीडियो में इतना ही हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, जय हिंद जय भारत।